आज का जो टॉपिक है ह्यूमिडिटी सेंसर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आर्द्रता सेंसर, आर्द्रता जो वातावरण की आर्द्रता को माप सकता है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता सेंसर। जो वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है वह आर्द्रता सेंसर कहलाता है। उसका क्या प्रयोग है, उसका प्रयोग है हीटिंग में और वेंटिलाइजेशन यानी वेंटिलेशन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंट्रोल में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एक ऐसा सेंसर जो नमी को माप सके, आर्द्रता को माप सके, जो वातावरण से उसको कैच कर सकता है, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है ये देखिए, इसका ऑटोमेटिक चीज़ें हैं वहाँ पर यूज हो सकता है। म्यूजियम में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रयोग है, इसमें इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउसेज में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद हॉस्पिटल और फार्मा इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। आर्द्रता सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर जो है, यह जो है हीट को मापता है और यानी वेंटिलेशन को समझता है और एयर कंडीशन को सिस्टम को कंट्रोल करता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं उसमें है, म्यूजियम में है, इंडस्ट्री में है, ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको उससे संबंधित है, हॉस्पिटल में पाया जाता है, तथा फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जो दवाई वाली कंपनी या हॉस्पिटलिटी से जो संबंधित हैं उसमें यह सेंसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश से संबंधित कोई सेंसर हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंसर। यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, फोटो डिटेक्टर, फोटो की पहचान करने वाला। दूसरा क्या है, फाइबर ऑप्टिक। तीसरा क्या है, पायरोमीटर। इसके बाद प्रॉक्सिमिटी एंड इंफ्रारेड, ये जो है ऑप्टिकल सेंसर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल वाले फिर से बता रहे हैं, फोटो डिटेक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स, पायरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी एंड इंफ्रारेड, ये जो है ऑप्टिकल सेंसर के एग्जाम्पल हैं। आज के वीडियो में दो सेंसर हैं। आज के टॉपिक में हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता सेंसर और ऑप्टिकल सेंसर, प्रकाशीय सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर और प्रकाशीय सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है, या हीटिंग को कैच करता है, या वेंटिलेशन को समझता है, एयर कंडीशन को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद यह ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं उसमें प्रयोग होता है, म्यूजियम में प्रयोग होता है, इंडस्ट्री में प्रयोग होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है और फार्मा कंपनियों में इसका प्रयोग यूज किया जाता है। इसके बाद ऑप्टिकल सेंसर जो होता है, जो प्रकाश से संबंधित सेंसर होता है, वह फोटो डिटेक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स, पायरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी एंड इंफ्रारेड में प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेंसर को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पुरानी जो पहले की वीडियो है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने सेंसर के डेफिनेशन, सेंसर के ग्रुप और सेंसर के प्रकार के में प्रकार को बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, यदि इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।